ओलियो आपका एक दोस्त लेके आऊंगा, ठीक है, सेम आपके जैसा ठीक है ओलियो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जैसे उठाऊ मैं, अब जाना है हॉस्पिटल मम्मी जी को लेके। पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब हफ्ते से हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। कभी दादाजी को लेके जा रहा हूँ, कभी मम्मी को लेके जा रहा हूँ, कभी खुद की तबीयत खराब हो जा रही है। तो फिलहाल चलते हैं, मैं जल्दी से रेडी होता हूँ। कुछ खा ले, हमने कहा कर ले उठा। अरे कुछ नहीं होता, खाना पीना, एक बार हॉस्पिटल तो चलो। मेरे लिए भी है क्या चाय? जाते जाते चाय तो पी लेते हैं। ये देखो, चाय ठंडी करने के लिए हमको कटोरी में डालनी पड़ रही है ताकि जल्दी पी लें और जल्दी जाएं। आराम से मम्मी, आराम से। पीछे क्यों बैठते हो, आगे बैठा करो मम्मी। खिड़की खोल दे यार। क्यों? ये अंदर की हो जाएगी। तभी कह रहा हूँ इधर बैठो, उल्टी आएगी तो इधर। नहीं, नहीं, उल्टी नहीं आती। मम्मी जी को पता नहीं गाड़ी में बैठ के क्या हो जाता है, बैठते ही पैसे लाने में नहीं देगा। भैया आपकी वीडियो के लिए जैसा करते हैं, ये परसों ये रो गई यहाँ पर, ये देख के पता है मेरी बिटिया। नमस्कार, नमस्कार। अभी हमको हॉस्पिटल जाके नंबर लगाना है, फिर पता नहीं कितने 2-3 घंटे बाद हमारा नंबर आएगा, फिर मम्मी को दिखाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा ना। अब जितनी लेट पहुंचेंगे तो नंबर लेट होगा। आप बेटर, मैं आपकी रिपोर्ट लेके आता हूँ, ठीक है? एक मिनट, लो ये रिपोर्ट है। लो। हाँ, हेलो, मैं आपको परसों भी देखा था। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ओके ठीक है, बाय बाय। मम्मी जी की एक रिपोर्ट लेनी थी जो कि हमने ले लिया हॉस्पिटल से। अब आएंगे दूसरे हॉस्पिटल जहाँ मम्मी को दिखाया था, वो रिपोर्ट उनको दिखाएंगे डॉक्टर को, और फिर देखते हैं। हॉस्पिटल तो पहुंच गए, नंबर लगाओ मम्मी का, जल्दी से मैं आता हूँ। पानी ले जाओ, टाइम लगेगा वहाँ। पापा जी हैं मम्मी जी के साथ में, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ चाचा जी को लेने के लिए। चाचा जी और अम्मा आए हुए हैं गाँव से, तो उनको पिक करते हैं। भाई मैंने तो 3 दिनों से नहाया भी नहीं है, पता है, कल 2 दिनों से मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। कल भी आपने यही ब्लॉग में देखा होगा, क्या करें। 18 तारीख की शादी भी है गोल्दी की, तो पता नहीं वहाँ भी जाएंगे नहीं जा पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, देखते हैं। इसीलिए चाचा और अम्मा आ गए हैं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ, आपने मेरे चाचा चाची को देखा क्या? चाचा जी भी आ गए हैं एंड अम्मा भी आ गई है। तो अभी फिर से पॉपअप हो गया है, जिस हॉस्पिटल में मम्मी गई है वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। अब मम्मी को लेने जा रहा हूँ वापस। बैठो। हाँ जी, एक सेल्फी ले। हाँ सेल्फी तो लो यार तुम। गाड़ी आ रही पीछे से। अच्छा तो डॉक्टर तो मिला नहीं, अब क्या करेंगे? कल हॉस्पिटल के चक्कर में बिना नहाए धोए बिना खाए पिए गया और ले वही काम नहीं हुआ। ओ अम्मा प्रणाम, ठीक हो? ओ ओरियो बुला रहे आपको, ओरियो के लिए अम्मा का प्यार। पहचान लिया इसने आपको? चलो अंदर चलो, अंदर चलो, आपके पीछे पीछे आ जाएगा। एक्साइटेड सबसे ज्यादा यही है। हॉस्पिटल से आता ही मम्मी किचन में सबके लिए चाय बनाने के लिए। अब पूरा दिन मम्मी सबकी केयर करने में लगी रही, कभी चाय बना ले, कभी खाना बनाने में, कभी बर्तन, कभी क्या। अब फिलहाल मैं नहाता हूँ, बिकॉज 3 दिन से नहाया नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम में नहा लेते हैं। अभी 1:30 बज चुके, अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख भी लग रही है, पेट में गुड़ 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 सो रहा है, तो पहले नहाते हैं फिर खाना खाएंगे। खाने में क्या बना रहे हो मम्मी जी? रोटी और ये हरी सब्जी और आलू। अरे वाह, कड़ी चावल। अरे वाह, चावल तो मस्त वाले बनाए आज आपने। हरी सब्जी भी डाल दो। 2 बज गए, अब जाके मैं खाना खाता हूँ। खाना नहीं अभी, सुबह मन नहीं कर रहा है अभी। ठीक है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही रहनी चाहिए बस। नीचे क्या, ऊपर ही बैठ जाओ। मेरे रूम की भसड़ मच पड़ी है देखना, 2-3 दिनों से कपड़े लिए थे साहिल के, मेरे पीयूष के, वही पड़े हैं बस ऐसी। इनको संभालने का टाइम भी नहीं मिला मुझे, तो फिलहाल अब संभालता हूँ सब कुछ। तो भी थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता था मैंने रूम क्लीन कर दिया है, तो फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है, पहले भसड़ सी मची थी ना। तो अभी फाइनली हम जा रहे हैं इस घर की बात करने के लिए निर्मल भैया के घर पे, कि वो देते हैं या नहीं देते, कितने भी देते हैं, जो भी रहेगा फाइनल करके आते हैं। अभी हम यहाँ पे रहते हैं ना, लेकिन हमको फील नहीं आती कि हमारा घर है, अपने घर में रहते हैं, ऐसे कुछ ऐसा लगता है कि मतलब किसी होटल वगैरह में रहते हैं, वैसी वाली फील आती है। आ जाओ बोली, चले आ जा, यहाँ से क्या दिखता है तू? तो बस भगवान से यही दुआ है कि ये घर हमको मिल जाए जल्दी से जल्दी। मैं अपने लिए ऊपर 2nd फ्लोर पर बना लूँगा, फिर स्टूडियो रूम गेस्ट रूम सब कुछ बनाना पड़ेगा, बिकॉज अभी देखो चाचा जी आए हैं और अम्मा भी आई है, तो उनके लिए भी दिक्कत है अब रहने के लिए, क्योंकि 3 ही रूम है ना,
तो अब एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे सबको, नीचे सोना पड़ेगा, जैसे भी करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसलिए मैं कह रहा था कि जल्दी से एक बार घर मिल जाए ना, फिर मैं जल्दी से और रूम बना दूंगा सबके लिए, फिर सारे रह पाएंगे अच्छे से। ओ अम्मा आप भी आ रहे हो? हाँ मैं भी आ रही हूँ। चलो ठीक, अम्मा जा रही है इसलिए इनोवा में चलेंगे। वैसे घर देने में निर्मल भैया का कोई रोल नहीं है, वो तो उनके घर वालों का रोल है, घर वाले देंगे तभी हम ले पाएंगे, अदरवाइज तो कैंसिल। देख लो अम्मी, दो दो कुत्ते पाल रखे हैं। वो भी इतने बड़े, आप भी एक और मुझे पालने दो। तीन थे एक और यही रख ले। अरे एक और, अरे एक तो रखने दो और। अरे भाई ये भी कर दिया, बताओ क्या बता रहा है? पता है मम्मी को? पता है किस लिए आए? पता है आपको किस लिए आए हम? मम्मी बताओ, एक हम भी और दोबारा दूसरे को लाएगा ना, इसको भी दे दूंगी मैं। ओरियो को दोगे? अब कुछ नहीं कहते, ये चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा। यार मुझे भी दो डॉग चाहिए, ओरियो के साथ खेलने वाला भी हो जाएगा ना। ओरियो गुस्सा करेगा आप घर जाके, देखियो स्मेल आएगी ना उसको, कैसे खेल रहे हैं। पीयूष इसलिए नहीं आया, पीयूष को डर लगता है ना। हाँ इससे, बकरी से। नहीं 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 सॉरी सॉरी, ये दोनों लड़कियां हैं क्या? नहीं ये बकरी है, बकरी। तो चलो ठीक है गाइस, बात हो चुकी है कम्प्लीटली और अब हम जा रहे हैं, और मेरे को दो डॉग चाहिए। कभी मुझे कोई स्ट्रीट डॉग मिलेगा ना प्यारा सा, या फिर कोई इंजर्ड किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं वो ले आऊंगा अपने घर पे। ओलू ओली देख खुशबारी, तेरे को लीली की खुशबारी। गुस्सा कर रहा है, क्यों मिल के आयो किसी से? तो अभी घर पे आते ही मम्मी का काम फिर से स्टार्ट। मम्मी सब्जी काट रही है, पत्ता गोभी। और यो आपका एक दोस्त लेके आऊंगा, ठीक है? सेम आपके जैसा, आपके जैसा, ठीक है? बोलू मेरे लिए एक लड़की लेके आना। ओहो लड़की चाहिए मम्मी जी, एक लड़की ले आऊं इसके लिए, शादी करा दे इसकी। बच्चे बच्चे हो जाएंगे फिर मम्मी, और कुत्ते हो जाएंगे फिर मजा आ जाएगा। बताओ बहुत सारे ओरियो हो जाएंगे। ओली शादी करेगी लड़की? हाँ करूंगा। करेगा? जल्दी से करा रहा मेरी शादी। मम्मी शादी शादी करा दो उसकी, वो बेताब है शादी करने के लिए। अम्मा ओरियो की शादी करा दे। पीयूष पता नहीं कहाँ गया खेलने के लिए बाहर पार्क वगैरह में, इसलिए वो दिखी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। ओ अम्मा मैं आपकी एक मस्ती ड्राइंग बनाऊंगा, बड़ी सी, इतनी बड़ी, तो फिर यहीं पे यहाँ पे कहीं पे लगाएंगे, दादाजी और आपकी दोनों की अलग अलग बनाऊंगा, लेकिन पहले ओरियो की शादी चाहिए। एक दूसरे को संभालेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे। अम्मा याद है आपको जब कितना छोटा था, तब आप ही के साथ खेलता था, तब आप डांटते भी थे इसको। आज फर्स्ट टाइम दादा और दादी जी हमारे साथ में आए हैं, एक साथ हमारे घर में फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा? अब तो यहीं रहोगे ना? पक्का? पक्का। चलो फाइनली हमने दादा दादी को मिला दिया है और साथ में है हम अपने घर में, अब बस चाचा चाची का देर है। बस चाची भी वही है क्योंकि वहाँ पे गाय भी है ना और कुनाली भी है, तो गाय का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए चाची नहीं आई। मच्छर हो रहे हैं बहुत सारे, तो मच्छरों को भगाते हैं। अम्मा डेंगू बहुत फैल रहा है, बताए आपको? अम्मा के मुंह पे ना लग जाएगा। ये देखो गाइस कितनी मस्त तरह से बैठा हुआ है। ओ भाई दो है। नहीं एक ही है, वो उसकी रिफ्लेक्शन आ रहा है। भाई क्या मस्त तरह से बैठा हुआ है, अब नहीं बचेगा भाई। ये देखो अम्मा उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड मिला हुआ है, उस दिन आप भी होते ना तो आपके सामने मिलता। आपको हमारे साथ में रहना चाहिए, पता है? आप हमारे साथ में रहोगे ना तो इवेंट्स में आपको भी लेके जाएंगे। तो गाइस अभी का सीन ऐसे, अभी सोनू भैया और अग्रिम जा रहे हैं तो इनको छोड़ने के लिए चलते हैं। अब की बार हमको ज्यादा घूम नहीं पाए बिकॉज हॉस्पिटल जाना था और बहुत कुछ काम था, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। कौन कहता है थार में स्पेस नहीं है? देखो पीछे हमने चार बिठाए हैं, एक आगे बैठेगा। तो अभी बस स्टैंड तो पहुंच गए हम, फिलहाल बस ढूंढते हैं। तो अभी हम आए हैं मिठाई की शॉप में, यहाँ की फेमस बाल मिठाई लेने के लिए, हरियाणा वालों के लिए ये वाली बाल मिठाई। सोनू भैया, अग्रिम, विनोद और भी एक दो घर है वहाँ पे, तो सबके लिए भिजवाते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं जब हरियाणा आऊंगा तब मिलते हैं, ठीक है? ओके 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 बाय बाय। ओहो फाइनली बिछड़ते हुए दोबारा। ओहो पीयूष रो मत दियो, बस रो मत दियो। ओहो रोते नहीं है, रोते नहीं है, कोई बात नहीं। चल वो बढ़िया ऑफर मिला है, चल साथ में।
इतना भी तो अभी मैं आया हूँ घर वापस। सोनू भैया अपने ईयरफोन्स भूल गए थे तो ये मैं लेने आया हूँ, ये उनको देने वापस। उनकी बस चल पड़ी होगी बस स्टैंड से, तो बस को पकड़ना पड़ेगा हमको, रास्ते में बस को पकड़ना पड़ेगा हमको, और फिर बस रुकवानी पड़ेगी और फिर ये देना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे पास में रह जाएगा यार, महंगा आता है ये भी। तो ये रहे सोनू भैया के बर्ड्स, अभी हम यहाँ पे वेट करें सोनू भैया का मोमोज खाते खाते। सोनू भैया और अग्रिम के लिए हमने मोमोज पैक करा लिए हैं और इसी में ये डाल दिया हमने उनका, तो ये पकड़ा देंगे उनको दो पोलोथीन। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सोनू भैया का, इसी रोड पे आएंगे, और अभी हम यहाँ पंजाबी रसोई पे वेट कर रहे थे, इसी रोड पे आएंगे सोनू भैया, यहीं पे बस रुकवाएंगे हम। आगे बस, आगे बस, आगे लल्ला ये पकड़ो मोमोज है, इसी में ही है सब कुछ इसमें। ठीक है ठीक है, बाय बाय। तो भी अपना खाना और दूध आ चुका है। सोनू भैया को हम छोड़ाए थे और उनके ईयरफोन्स भी हमने दे ही दिए थे उनको, एकदम से बस आई और उनको पकड़ा दिए। तो फिलहाल डिनर करते हैं और उसके बाद फिर एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। तो भी टाइम हो गया रात के 12:15, एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे नाच क्या रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी गर्मी ध्यान दे, तू मेरा मेरे को कॉपी कर रहा है।